वालेकुम सलाम। बढ़िया, और जावेद भाई, क्या हाल है? बढ़िया अपने बताओ। भाई, शुक्र अल्लाह हाँ जी बोलिए। का। मैं जावेद भाई, मैं आपकी वीडियो बहुत देखता हूँ। आप अच्छा मेरे को एक बात बताओ, हाँ हाँ बोलो। हमारे इस्लाम में क्या खराबी थी जो आपने, मतलब धर्म आपने चेंज किया? इस्लाम में देखो, मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि कोई खराबी थी। मुझे लगता है कि मेरे लिए शायद इस्लाम नहीं था। मतलब आपके लिए सही नहीं था। हाँ देखो, आजकल देखो जमाना ऐसा है भाई कि अगर किसी को लड़की बनना है तो लड़का लड़की बन जा रहा है और लड़की लड़का बन जा रहा है, तो सबको अपने, मुझे लगता है कि सबको एक चॉइस है अपने जीने का कि भाई मुझे इस तरीके से जीना है, मुझे उस तरीके से जीना है। तो मेरी एक थिंकिंग थी भाई, मुझे एक्चुअली भगवान कृष्ण से बहुत ज़्यादा लगाव था। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हुई तो आपको शायद विश्वास नहीं होगा इन सब चीज़ों पे। चलो, तो वो बात तुम्हारी ठीक है। तो भाई, दूसरे धर्म को टारगेट मत करो ना। मैंने क्या ऐसा टारगेट करा भाई? अब भी लाइफ में भी आगे तुम कहते हो, एक मतलब मुसलमान वाली बात आ रही थी ना अभी, गेनो क्या एक एकतापन नहीं है, वो नहीं है, मतलब दूसरे को दिखा मैंने रहे हो यार। मैंने ये मैंने तो हिंदू के लिए बोला है कि भाई हिंदुओं में एकता नहीं है तो एकता होना चाहिए। वहाँ पे हिंदुओं की कंडीशन जहाँ पे ख़राब थी, तो मैं बोलूँगा कि भाई यहाँ पे कंडीशन उनके बेचारों की ख़राब है, उनको एकता होना चाहिए। तो मैं ये बोल दूँ कि भाई तुमने एक मत रहो। अब तुम एक बात बताओ, नहीं तुम नहीं भाई, मुझे देखो, आके, नहीं, एक बात बताओ, तुम मुझे आके इतनी बात कर रहे हो। जो मुसलमान मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे फ़ोन पे अकाउंट तक बंद करा दिया, जिन मुसलमानों रिपोर्ट मार मार के मेरा चैनल डैमेज करा, ठीक है ठीक है, मुझे आए दिन उल्टी सीधे मेरी माँ बहन की गालियाँ बकते हैं जो, ठीक है, अगर वो लोग मुझे बंद कर देंगे सब कुछ कहना तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। आप मेरी पहले के इंटरव्यू उठा के देख सकते हो भाई कि मैंने किसी भी मुसलमान के बारे में कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी मर्जी थी। अब मैंने इसलिए बोला कि जब मुझे परेशान करा जाएगा तो मैं बोला जाऊँगा भाई। और तुम ये बात बोल रहे हो, मेरे ऊपर 2 बार हमला हुआ है। ठीक है भाई, वो बात एक मेरी बात ठीक है, बताओ। मतलब 2 बार मेरी जान से खेली जाए वो ठीक है, नहीं मतलब वो नहीं भाई, अच्छा वो है। गलत बात है। देखो, जो उनसे भी गैर कानूनी काम करता है वो गलत है, उसके लिए एक्शन होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे भाई, मेरे कहने का मतलब ये, मैंने भाई 2-3 वीडियो देखे, जब भी देखा मुसलमानों को टारगेट करते हैं। अब बताओ, सारे पांचों उंगली एक साथ थोड़ी होती है। अरे भाई पांच उंगली नहीं, यहाँ पे 95 में से 5 ठीक होंगे, बाकी 95 बेकार है। मैं सच्ची बात बताऊँ, 95 लोग ऐसे हैं। तो मैं क्या देख रही हूँ, मेरी एक नहीं नहीं भी, नहीं मेरी भाई एक वीडियो उठा के देखो जिसमें मुझे कितनी गंदी गंदी, एक एक वीडियो उठा के देखो जिसमें मैंने कुछ भी नहीं बोला उसमें तक उठा के देखो। तुम ये चीज़ आके मेरे से ये बात बोल रहे हो तो मैं खुद को ये चीज़ लगना चाहिए। अब देखो मैं एक चीज़ हकीकत बात बोलूँ तो, यहाँ फलस्तीन की सपोर्ट क्यों कर रहे हो आप लोग जब हमारा देश उसको सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, तो आप फलस्तीन की सपोर्ट क्यों कर रहे हो? आप मुझे इसका जवाब देना। नहीं भाई, मैं बताऊं, औरों की तो मैं बताता नहीं, मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ फलस्तीन को। मैं बताऊं, अगर मेरे बच्चे, तुम्हारे बच्चे, मासूम बच्चे हाँ मरते हाँ हैं बम बारूद से, बिल्कुल खाने बिल्कुल को नहीं बिल्कुल मिलता, बिल्कुल तो भाई एक बात बता, दूसरा आदमी एक्शन उठाएगा नहीं उठाएगा? हाँ बिल्कुल उठाएगा भाई, पर ये तो दोगलापन अब है फलस्तीन ना के मेरा बच्चे, भाई, ये तो भाई दोगलापन है वीडियो ना। भेजूं, वहां की वीडियो भेजूं मैं तुम्हारे पास, अरे मैंने फलस्तीन देखा, के मुझे जो देख के मासूम बड़ा, बच्चे मैंने हैं। देखा, मुझे देख के बड़ा अफसोस हुआ, पर ये तो दोगलापन है ना भाई। नहीं, मैं अब कसम से अपने देश से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। अरे ये दोगलापन देखो भाई, मैं एक चीज़ बताऊं, देखो सुनो मेरी बात, आप इस चीज़ पे नहीं बोलना नहीं नहीं ये चाहोगे। दोगलापन नहीं है भाई। आप मेरी बात सुनना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने कहा कि मैं फिलिस्तीन के इसलिए सपोर्ट कर, हर एक मुस्लिम यही बोलेगा कि मैं वोट के लिए नहीं, मैं हम सपोर्ट कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ बच्चे जल रहे हैं या बच्चों का ये हो रहा है, या मतलब बच्चों के साथ वो हो रहा है, देख के हमें भी दुख हो रहा है। पर मुझे ये समझ नहीं आता, जो लोग आज फलस्तीन की सपोर्ट कर रहे हैं, जब वो लोग कहाँ थे जब कश्मीरी पंडितों को अलाउंस करवा करवा के उनकी बहन बेटियों का रेप करा जा रहा था, उनके बच्चों के साथ क्या क्या हो रहा था, जब ये मतलब दिल नहीं पिघला, कुछ समझ नहीं आया मुझे, है नहीं ना? नहीं नहीं ये गलत इस बात है बारे भाई। में तो आप लोग देखो, बात ही करना पसंद नहीं करते हो, ये इस बारे में आप लोग बात नहीं करोगे। भाई वो अगर तुमने देखी हो न्यूज़ पे, वो वीडियो देखी है आपने,
कौन एक सा? पंडित बयान दे रहा है, वो उस पंडित को बचाने वाला भी मुसलमान था। अरे एक पंडित को बचाया पर 100 को तो उजाड़ दिया, उनका घर तो नहीं बर्बाद नहीं कर दिया। तुम लोग एक पता ये नहीं वो तुम वाला लोग बात वो नहीं भाई है। पता नहीं कि वो न्यूज़ तुम्हारे पास ही जाती है। इतने जो पंडित आके रो रहे हैं, जो व्याकुल हो रहे हैं, उनकी आंसू नहीं दिखा रही है, उनकी बहन बेटियों का रेप हुआ वो नहीं दिखा। तुम्हें एक पंडित एक मुस्लिम ने बचाया वो याद है? भाई ये दोगलापन मत करा करो, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। मेरे और मैं मेरा एक चीज़ बात भाई सबसे बड़ी बात कहूँ कि मुझे इन सब चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है मेरा भाई। भाई देखो, रखते तो हम भी नहीं है, हम मैं बाकी तरह रहता हूँ। देखो कोई हिंदू मुसलमानों सब भाई की तरीके से रहता हूँ, ठीक है भाई। तू अपनी पूजा पाठ कर, मैं अपनी नमाज कुरान पढ़ता हूँ। हाँ तो बस मैं तो यही चाहूंगा कि मेरे से भी भाई कोई ज्यादा फालतू ज्ञान ना दे। मैं बस इतना ही बात करना चाहता हूँ कि भाई सबकी अपनी लाइफ है, मेरी भी अपनी मर्जी है और अपनी जिंदगी है, मेरी जैसी मर्जी वैसे जीऊंगा मैं। नहीं भाई देखो, मर्जी अपनी अपनी है। देखो ऊपर वाला जो जिसे जहाँ वो करता है वो अपने तरीके से करे, हम अपने तरीके से करेंगे, है हाँ नहीं तो भाई? बाकी ये अगर हिंदू मुस्लिम की बातें करके या आप इस्लाम क्यों छोड़ा, ये क्यों छोड़ा, वो मेरी अपने पर्सनल मैटर है भाई। नहीं, मैं तो पूछ रहा था भाई, जैसे कोई मजबूरी है क्या है? मजबूरी क्या हो सकती है भाई? नहीं भाई, बहुत सा आदमी जैसे जोर जबरदस्ती करके, जैसा हमारे इधर मेरठ नहीं नहीं में नहीं 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 भाई देखो जैसे सुनो लोग सुनो थे, सुनो मैं सिर्फ बात, लोग आप कह रहे हो थे ना, लड़ी राम आप के। सुन रहे हो, आपको मैं बताऊं कि हमारे परिवार में कितनी ऐसी लड़कियां जो हिंदुओं की हैं जिनकी शादी हुई है। मैं आसपास भी बता सकता हूँ, मेरे आसपास बहुत हैं जो मुस्लिम है, ठीक है, हिंदुओं की लड़की से शादी करते हैं, ठीक है। तो ये सनातन धर्म में ये चीज़ नहीं है कि किसी को आपको ज़बरदस्ती देंगे या आपको ये कन्वर्ट करने पे मजबूर करेंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे भी ऐसा रहता ना तो भाई कई देश बन जाते हैं हिंदू राष्ट्र, ठीक है, एक ही नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि ऐसा है ही नहीं है। जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए, यहाँ तक तो जाने से भी कोई ज़्यादा हिंदू किसी के पीछे नहीं पड़ता है। नहीं भाई, हमारे इधर होता है ना मेरठ में, मैंने 2-3 बार मेरे सामने हुआ है भाई, जय श्री राम बोलो भाई, बोलने में हमारा क्या जा रहा अभी भाई है? मैं हमारा तम दिल अरे थोड़ा, भाई एक दो हमारा वीडियो, दिल थोड़ी बदला एक जा दो रहा। गलती सभी करते हैं, ऐसी बात नहीं, एक दो गलती सभी करते हैं। और जय श्री नहीं राम बोलना, या यूपी यूपी में तो मुसलमान जय श्री राम भी बोल देता, हमने देखा है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे मुस्लिमों के कॉल आते हैं जो जय श्री राम बोलते हैं, अच्छे से बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है। यूपी में जो काम नहीं धंधे भाई, वाले होते हैं वो भी बोल देते हैं। हमें मानते अपने खुदा को है, बोलवा लो, हमारा क्या दिल थोड़े ही हमारा बदला जाएगा बोलने में भाई? बोलने में दिल से बहुत फर्क है, जुबान से बोलना है। तो आपको किसने चाकू रख के और बोला कि जय श्री राम बोलो? भाई हुआ है हमारे साथ सीन ऐसा, पता नहीं भैया, हमारे साथ तो जो हुआ हमने सब वीडियो में दिखाया, लाइव दिखाया, जो जो हमारे साथ हुआ है, ठीक है। नहीं, नहीं। और दिल्ली दिल्ली रह दो भाई, किस हाँ, जगह हो? दिल्ली पंजाबी बाग। पंजाब बाग में रहता हूँ, दिल्ली महारानी बाग भोगल आश्रम। अच्छा। एक बार हमारे साथ वहां को हुआ, अच्छा, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार हाँ में। दिल्ली में हुआ भाई। चलो भाई हमने भाई तो जय दे श्री दिया। राम भाई, बोल बोल ले, हमारा बोलने में क्या जा रहा है? पर दिल थोड़ी बदल रहा भाई, मैंने उससे भी यही बात कही थी। अब पता नहीं भाई, देख मैंने तो देखा नहीं है, मैं देखूंगा तो मैं देखने पे विश्वास रखता हूँ, करने पे रखता हूँ कि मैं देखूंगा तभी यकीन मानूंगा। ऐसे तो मैं भी बहुत कुछ बोल दूँ तो बोलने का क्या है। नहीं नहीं भाई देखो, मैं झूठ नहीं बोलता, जो बात है ठीक है। चलो ठीक है भाई, इन सब बातों का नहीं कोई मतलब नहीं है, आपका भी टाइम वेस्ट है और मेरा भी है। नहीं भाई, टाइम वेस्ट किया, मैं तो अपने उसकी बात कर रहा हूँ, कोई गाली तुमने फुफकार आके या आपसे गलत मेरी बोला हूँ लाइफ भाई? पे हंसे, तुमने अस्सलाम वालेकुम करा, मैंने वालेकुम सलाम करा, मैंने तुमसे कुछ कहा या कहीं नहीं, क्योंकि तमीज से पेश आएगा तो मैं हर एक बंदे से तमीज से बात तुम्हारे करता हूँ। दिल की बात यही तो देख रहा था मैं, थोड़ी बहुत ईमान वाले मतलब मेरे ईमान जो वाले काय का और ईमान भाई, काय का ईमान, ये ईमान क्या उमान भाई की दे। हवाला मुझे मत दिया करो, मुझे ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं, देखो भाई तुम, मैंने सलाम वाला मेरे नहीं अंदर करा। देखो भाई, मेरे अंदर एक तमीज़ है जो बरकरार है, हाँ ठीक है, जो तमीज़ मेरे सनातन में आने से मिली है। दूसरी चीज़ ये कि अगर मेरे से जो तमीज़ से बात करेगा मैं सबसे तमीज़ से बात करूँ, तो मेरी ये शुरू की आदत है। दूसरी चीज़ ये ईमान बची है, ये बच्चा वो बच्चा है, जब ईमान नहीं रहती दूसरों के उस पर गर्दन पे छुरे चला दो, जब ईमान पता नहीं कहाँ चला जाता है, नहीं, श्रद्धा को काट के डाल दो तब ईमान नहीं नजर आता है, किसी के गर्दन पे छुरे चला तो फिर ईमान नहीं है। भाई इन सब बातों का को कोई मतलब नहीं यार। मैं कोई अन धर्म से नहीं है, मैं इस्लाम से आया हूँ तो मैं जानता हूँ सब।
आप मुझे बता रहे हो ना, मैं सब बताए। जानता हूँ। ओके भाई, देख लिया। ऐसे ऐसे कॉल और ऐसे ऐसे मानसिकता आती है। फिर लोग कहते हैं कि आधे लोगों को लगेगा कि मैंने कॉल करवाया, मैंने वो करवाया। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो, इसने खुद ही बोला है मुझे कॉल करो, पहले आके लाइफ पे हंस रहा है बुरी तरीके से। हमारे मंदिर देखो, ठीक है, मुझे कॉल पे बात करनी है।